गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस। याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर ग्रामर के बड़े बड़े क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ वॉइस, मेक क्वेश्चन, मेक नेगेटिव एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी फाइंड आउट करना मोस्टली डिफ़िकल्ट या डिफरेंट सिर्फ दो किस्म के टेंसेस में है। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आराम से और एकदम बारीकी से पढ़ाई करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमेशा हिडन यानी छुपे हुए रहते हैं। याद रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज ये इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। सिंपल टेंस में दो वर्ब्स कौन से हैं, या तो डू या तो डज, फिर उसको पहचानना कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले में वी वन इज इक्वल टू डू प्लस वी वन, और दूसरा है वी एस और वी ई एस, इसका होता है डज प्लस वी वन। एग्जाम्पल के तौर पर पहला वाला ब्रैकेट देखेंगे, वी वन इज इक्वल टू डू प्लस वी वन कैसे ढूंढना है। कम प्लस इज इक्वल टू डू प्लस कम, को यानी डू प्लस को, गिव यानी डू प्लस गिव, राइट डू राइट, शो डू शो, स्लीप डू स्लीप, एंड ब्रिंग डू ब्रिंग, राइट। इसी तरीके से आप गौर करेंगे कि वी एस या वी ई एस होता है, यानी जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब जो है एस के साथ आता है। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं सामने वाले बॉक्स में कि वी एस वी ई एस, इसका फॉर्मूला है डस प्लस वी वन, यानी कम्स का मतलब होता है डस प्लस कम, गोज का मतलब होता है गोज डस प्लस गो। यू कैन सी हियर ई एस या एस जो है इसका बनता है डस, और आगे हमारा बेस वर्ब आता है। उसी तरीके से गिव्स है डस गिव, राइट्स है डस राइट, शोज है डस शो, स्लीप्स है डस स्लीप, एंड ब्रिंग्स है डस ब्रिंग। याद रखेंगे आप ध्यान से कि जब कम्स में से यानी वी एस या वी ई एस में से डज निकल जाता है, तो जो बचता है वो वी वन होता है, यानी उसको वापस एस नहीं लगता। ओके, वेयर एज यहाँ पर आप देख सकते हैं डू, आप बोलेंगे यहाँ पे तो डू हमने पहले ही निकाले वी वन इज इक्वल टू डू प्लस वी वन में। तो यहाँ पे याद रखना है कि डू एक ऐसा ऑक्सिलरी है जो मेन वर्ब में इस कदर छुपा है कि वो दिखता ही नहीं, लेकिन दिखता नहीं बट वो एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद होता है। इसलिए याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू पूरी तरह से छुपा है और डज जो है एस या वी एस करके मेन वर्ब को लग के आता है। जैसे कम्स है सी ओ एम ई एस लगा है, गो को ई एस लगा है। ओके, नाउ इसके सेंटेंसेस देखते हैं। देखो, आई प्ले क्रिकेट, तो इसका स्प्लिट फॉर्म यानी इसका ऑक्सिलरी कैसे ढूंढेंगे, आई डू प्ले क्रिकेट। वी गो टू मुंबई, यस वी गो वी डू गो टू मुंबई। उसी तरीके से दे ईट ग्रेप्स, दे डू ईट ग्रेप्स। यू लुक स्मार्ट, यू डू लुक स्मार्ट। आगे के वर्ब्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर शी रन्स फास्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस लगता है, सो शी डज रन फास्ट। ही रीड्स अ स्टोरी, ही डज रीड अ स्टोरी। And it climbs the wall, it does climb the wall. Simple तरीके से मैं आपको बताया है यहाँ पर कि किस तरीके से simple present tense में हमको auxiliary verb जो कि है do and does ढूंढना है। एक बार आपको ये trick समझ में आई, इसके बिहाफ इसके बलबूते पर आपको change the voice, make affirmative, make negative, इस तरीके से मेन मेन जो सवाल आते हैं क्वेश्चन से ग्रामर के, उसमें बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।